हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम सी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के जो प्रावधान हैं उनको डिस्कस करेंगे और इन सभी जो प्रावधान हैं उनको उनको हम इन सी के रूप में कन्वर्ट करके और वहां पर हम प्रत्येक प्रश्न के जो प्रावधान हैं जो आदेश हैं जो नियम हैं उनको कॉरिलेट करते हुए आपके समक्ष उसको रखेंगे और यह इस सीरीज़ का नौवा पार्ट है और जैसा कि आपको पता है कि हमने सी सी की जो यह सीरीज शुरू की है इसमें हमने क्रम से सबसे पहले सभी धाराओं को उसके बाद आदेशों को क्रम से सॉल्व करते हुए और इस पूरी सी पी सी को एम सी क्यूज के रूप में बदल करके एक बेहतरीन जो प्रश्नों का संकलन है हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं इसका उद्देश्य यह है ताकि जिस जो सी पी सी है वो पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंट आप उसमें हो जाएं और आपको अच्छी तरीके से वह समझ में भी आ जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है अभी तक के इसके जो आठवां पार्ट है वहाँ तक हमने कुल चार सौ प्रश्नों को हल किया है अब यह जो है आगे दो पार्ट में और होगी यह नवा पार्ट है इसके बाद एक पार्ट और आएगा दस इस प्रकार से कुल आपके पास पाँच सौ प्रश्नों का एक बेहतरीन कलेक्शन होगा और इन पाँच सौ प्रश्नों के माध्यम से आप पूरी सी को उसके सभी आदेश को सभी नियम को सभी धाराओं को अध्याय को सबको आप कवर कर लेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा बस आपको कोशिश ये करना है कि अगर आप वीडियो को हमारे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आप जो है एक बार इसको बेरेक्ट के साथ जो है देखेंगे और वह जो बेयर एक्ट है उसमें आप अंडरलाइन भी कर लेंगे जहाँ इस प्रकार से हमने जिक्र किया है प्रावधानों का तो पूरी तरीके से आपके मुट्ठी में होगा वो और जो अभी तक जो सीपीसी लोगों को टफ लगती है वह बहुत ही आसान हो जाएगी ऐसा हमारा प्रयास है तो आइए हम शुरू करते हैं इस नवे भाग को और देखते हैं आप जो प्रश्न है वो किस रूप में है इसके पहले के अगर आपने पहले आठ पार्ट को नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि उसके आगे के जो प्रोविज़न है उसको हम इसमें हल कर रहे हैं देख रहे हैं तो इसमें प्रश्न देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत आदेश इक्कीस के अधीन प्रस्तुत एक आवेदन के एक पक्षीय रूप से निर्णित किए जाने या अनुपस्थिति में खारिज किए जाने के आदेशों की पुनर्स्थापना अथवा आपात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है तो यह पूछ रहा है कि ऐसा जो प्रावधान है कहाँ दिया गया है सीपीसी के किस आदेश इक्कीस किस नियम के अंतर्गत तो आदेश इक्कीस का नियम एक को जब देखेंगे तो आदेश इक्कीस नियम एक सौ छः तो इसके अंतर्गत क्या है कि एक आवेदन के एक पक्षी रूप से निर्णित किए जाने या पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किए जाने के आदेशों की पुनर्स्थापना अथवा उन आदेशों को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो कैसा किस प्रकार का जो आदेश है एक पक्षी रूप से जो पारित किया गया है वह निष्पादन का आदेश है क्योंकि आपको पता है कि आदेश इक्कीस के अंतर्गत निष्पादन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है तो निष्पादन से संबंधित यह जो है आदेश इक्कीस के अंतर्गत इस प्रकार से एक पक्षी कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसको अपास्त कराने के लिए कोई आवेदन कहाँ दिया जाएगा तो एक सौ छह के तहत दिया जाता है तो यहाँ पर एक सौ छह को आपको देखना होगा एक सौ छह को जब आप देखेंगे नियम एक सौ छह को तो इसमें यह दिया गया है कि आवेदक जिसके विरुद्ध कोई आवेदन जो है 105 के तहत कोई आदेश दिया गया है तो उस एक पक्षी आदेश के अपास्त कराने के लिए न्यायालय में जो पीड़ित पक्षकार है वह आवेदन कर सकेगा और यदि वह ऐसा न्यायालय का समाधान कर देता है कि उसको जो है न्यायालय में हाजिर न हो पाने के कोई पर्याप्त कारण थे तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा उस आदेश को जो एक पक्षी रूप से पारित किया गया है उसको अपास्त करके अगले दिन जो है सुनवाई की जो तारीख है वो उसको नियत करेगा। Next question देते हैं पक्षकारों की मृत्यु उनका दिवाला विवाह से संबंधित जो आदेश है वह कहाँ दिया गया है तो पक्षकारों की मृत्यु हो जाना उनका विवाह हो जाना या उनका दिवाला अगर हो जाता है तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है आदेश 22 के अंतर्गत आदेश बाईस के अंतर्गत इसी के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि आदेश बीस में क्या दिया गया है तो बीस में जो है निर्णय और डिक्री के बारे में प्रावधान है आदेश तेईस को जब देखेंगे तो तेईस के अंतर्गत वादों का प्रत्याहरण या उनका समायोजन से संबंधित प्रावधान है आदेश चौबीस के अंतर्गत जो है न्यायालयों में जमा करना इसके संदर्भ में प्रावधान दिया गया है तो इसको हम आगे देखेंगे तो आइए हम आदेश बाईस में और से क्या प्रश्न आते हैं उसको भी देखते हैं अगला प्रश्न है वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा अर्थात अगर वादी या प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो केवल इस कारण से उस वाद का उपशमन नहीं हो जाता है लेकिन ऐसा तब होगा जबकि वाद लाने का अधिकार जो है वह बचा रहता है तो यहाँ पर जो आ, तीसरा विकल्प है यही सही होगा इसके संदर्भ में प्रावधान कहाँ दिया गया है तो प्रावधान जैसा कि आपने देखा यह दिया गया है आदेश बाईस के अंतर्गत और इसका जो नियम दो है रूल टू इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान है कि अगर वाद लाने का अधिकार बचा हुआ है तो वादी या प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो मामला है वह समाप्त नहीं हो जाएगा बल्कि उसको उसके जो प्रतिनिधि वगैरह हैं वो उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये और अगर ये ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसमें गलती आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी इसलिए इस प्रश्न को समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसको केवल हल करने से अब आइए प्रश्न पे देखते हैं जहाँ दो या अधिक प्रतिवादी हैं तो शब्द सबसे पहले पकड़ें प्रतिवादी हैं दो या अधिक इसमें यह भी हो सकता है दो या अधिक वादी हैं तो लेकिन हमसे प्रश्न पूछ रहा है दो या अधिक प्रतिवादी हैं उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो जब दो या अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से मृत्यु एक की मृत्यु हो जाती है तो मान लीजिए ए बी और सी तीन प्रतिवादी हैं इनमें से जो सी है इसकी मृत्यु हो जाती है और वह वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध नहीं बचा रहता है लेकिन मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया जाता अगर यहाँ पर जो प्रतिवादी सी है वह मर गया और उसके प्रतिनिधियों को पक्षकार बना लिया गया तो ऐसी स्थिति में जो वाद है वह आगे कंटिन्यू रहेगा लेकिन यहाँ पर सी के जो प्रतिनिधि हैं उनको पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा जो कथन है यह सही होगा तो यहाँ पर जो दावा है संपूर्णतः उपसमित हो जाएगा तो संपूर्णतः क्यों उपसमित हो जाएगा क्योंकि केवल सी मरा है बी और सी ये दोनों जिंदा हैं तो इनके विरुद्ध जो मामला चल रहा है वह उपसमित नहीं होगा वह समाप्त नहीं होगा बल्कि केवल सी के विरुद्ध समाप्त हो जाएगा वो भी तब जबकि सी के किसी विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार नहीं बनाया गया है अगर सी के प्रतिनिधि को पक्षकार बना दिया जाता तो ऐसी स्थिति में इसके विरुद्ध भी मामला उपसमित नहीं होता दूसरा विकल्प है कि दावा केवल मृत प्रतिवादी के विरुद्ध ही उपसमित हो जाता है यह दूसरा कथन ही यहाँ सही होगा इसलिए मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपसमित हो जाएगा इसलिए क्योंकि उसके प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह मिलता है आदेश बाईस की नियम चार उपखंड तीन के अंतर्गत उपखंड जब नियम चार का उपखंड तीन देखेंगे तो उसी में यह बताया गया है है कि जहां विधि द्वारा समय के भीतर किसी जो मृत पक्षकार है, उसके प्रतिनिधि को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो वहां पर उसके मृत प्रतिवादी के विरुद्ध जो मामला है वह उप हो जाएगा अब देखिए यह तो हो गया नियम चार नियम चार के यह प्रावधान हो गए नियम तीन को जब आप देखेंगे उसमें यह है कि अगर वादी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर क्या होगा अगर वादी कई वादी हैं उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है या एक मात्र वादी है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार जो है वह बचा नहीं रहता है या एकमात्र वादी है और वह मर जाता है तो उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो इन सब परिस्थितियों में न्यायालय जो है मृतवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद में अग्रसर होगा तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प है यही सही होगा इसको ध्यान से आप देखेंगे और खास करके आदेश बाईस का नियम चार को देखेंगे तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा फिर इसमें कभी गलती नहीं होगी आपसे अगर केवल प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को देख करके केवल उत्तर को लगा कर आगे बढ़ गए और यहाँ पर वादी की प्रतिवादी की जगह वागदी को रख दिया गया तो आपकी प्रश्न की गलत होने की संभावना एकदम कन्फर्म हो जाएगी नेक्स्ट है जहां सुनवाई की समाप्ति होने के पश्चात और निर्णय सुनाए जाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है अब देखिए एक तो सुनवाई के दौरान मृत्यु हो रही है सुनवाई के दौरान वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो रही है आदेश बाईस के नियम तीन और नियम चार के अंतर्गत लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सुनवाई की समाप्ति हो गई है लेकिन निर्णय नहीं सुनाया गया है अर्थात सुनवाई पूरी हो गई है लेकिन निर्णय सुनाया जाना बाकी है और उसी दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो जब सुनवाई पूरी हो गई है और उसकी सुनवाई पूरी होने के बाद जब तक सुनवाई चल रही तब तक पक्षकारों जीवित थे और उन्होंने अपना सब कुछ देखा अपना पक्ष रखा उसके बाद सुनवाई पूरी हो गई अपने आलय को केवल निर्णय सुनाना है इसी दौरान किसी वादी की या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो वाद है उसका उपशमन बिल्कुल नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो वादी प्रतिवादी थे उन्होंने तो अपना पक्ष रखा और अब उसमें उनका साक्ष्य लिया जाना कुछ भी बाकी नहीं है ऐसा जो प्रावधान है आदेश बाईस के नियम छः के अंतर्गत दिया गया है यह सभी जो आदेश हैं सभी नियम हैं आप पेयर एक्ट में आप देखते चलिएगा निश्चित रूप से आपको सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी कुछ इसमें बचा नहीं रहेगा अगला प्रश्न है जहां आदेश बाईस व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद का उपसमन हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है वहाँ उसी वाद हेतु पर क्या नया वाद लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता तो आदेश बाईस का जब नियम नौ को देखेंगे आप जहाँ वाद का इस आदेश के अधीन उपसमन हो जाता है या वह खारिज हो जाता है तो नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जा सकता है तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यह सही है तो नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जाएगा दिया जा रहा है तो नियम अगला प्रश्न है वाद के उपसमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश जो कि आदेश बाईस नियम 9 के अधीन दिया गया है तो इसके विरुद्ध जो अपील होगी वह कहा हो सकती है तो देखिए आदेश बाईस नियम 9 के तहत क्या होता है कि कोई भी आदेश का उपशमन कर दिया जाता है या उस आदेश को खारिज कर दिया जाता है तो उसी वाद हेतु पर नया वाद नहीं संस्थित किया जा सकता है यह बात जो है आदेश बाईस नियम नौ के अंतर्गत कर दी गई है अब जब ऐसा उपशमन है या खारजी जो खारिज किया गया है ऐसी खारजी को अपास्त करने के लिए आवेदन किया जाता है कि साहब ऐसी जो आपने खारिज कर दिया है उस खारजी को समाप्त कीजिए और हमारा जो मामला है उसको कंटिन्यू करें लेकिन उसकी आवेदन को यहाँ पर खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अपील का उपचार प्राप्त होता है वह अपील कर सकता है तो ऐसी अपील जो है वह कहाँ करेगा कैसे करेगा क्योंकि कुछ तो उपचार उसमें प्राप्त होना ही चाहिए तो ऐसी अपील जो है वह धारा छानबे के तहत नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मूल डिक्रियों के विरुद्ध अपील होती है यह जो है आदेश 22 के तहत जो यह आदेश खारिज करने का आदेश दिया गया है यह मूल कोई डिक्री तो है नहीं इसलिए डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी तो डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी तो छानबे और सौ यह दोनों ही बातें नहीं आएंगी अर्थात इन दोनों के तहत ही यहाँ पर उपचार नहीं प्राप्त होगा क्योंकि यह दोनों ही डिक्री से अपील के संदर्भ में प्रावधान करती हैं अब आएगा आदेश एक धारा एक धारा 104 इसलिए आएगा क्योंकि धारा 104 के अंतर्गत आदेशों से अपील के बारे में प्रावधान किया गया है अब धारा 104 का जब पहला खंड देखेंगे इसके अंतर्गत भी जो जे है या च है अच्छा नहीं बल्कि झ है हिंदी में झ है और अंग्रेजी में आई है जे नहीं है बल्कि आई है इसको जब आप देखेंगे तो इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा कि नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों के द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है तो उसी के तहत क्या होगी इसकी अपील होगी तो आदेशों से अपील के संदर्भ में आपको अगर विशेष रूप से यह प्रश्न अलग से पूछा भी जाता है कहाँ प्रावधान है तो यह प्रावधान जो है धारा एक के अंतर्गत दिया गया है तो इसी के तहत यहाँ पर उपचार प्राप्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने का कर्तव्य किसका है अर्थात दो पक्षकार हैं और उनमें से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो, हो जाती है तो जब किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस पक्षकार की मृत्यु के बारे में न्यायालय को कौन सूचना देगा तो ऐसी सूचना देने का जो कर्तव्य होता है वह प्लीडर का होता है अर्थात अधिवक्ता का होता है क्योंकि न्यायालय में अभी, जो अभियुक्त व्यक्ति है या जो वादी प्रतिवादी हैं, उनकी ओर से जो अभिकथन करता है वह कौन होता है प्लीडर होता है तो प्लीडर ही जाकर के न्यायालय को बताएगा कि साहब इसमें इस मामले में हमारे मामले में जो एक वादी है या एक प्रतिवादी है उसकी मृत्यु हो गई है तो यह उसको सूचना देगा और फिर उसके बाद जो है मृत पक्षकार के ओर से कोई जो प्रतिनिधि वगैरह है वह उसको नियुक्त किया जाएगा अब देखिए इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है तो जो यह प्लीडर का कर्तव्य है उसको संसूचित करे न्यायालय को और इस प्रयोजन से कि अर्थात पक्षकार की जो मृत्यु हुई है उसको संसूचना देने के प्रयोजन से यह माना जाएगा कि प्लीडर और ज जो पक्षकार मरा हुआ पक्षकार है उसके बीच में संविदा माना जाएगा अर्थात यह माना जाएगा कि प्लीडर और मृत व्यक्ति के बीच में एक संविदा हो गई कि जब इसकी मृत्यु होगी तो प्लीडर जाकर के न्यायालय को बताएगा हालांकि यह सब संविदा जो है अभिव्यक्त रूप से नहीं होती है लेकिन विवक्षित रूप से यह मान लिया जाता है जिस दिन कोई व्यक्ति अपना वकील नियुक्त किया कि हमारी तरफ से आप वाद संस्कृत कीजिए और हमारा मुकदमा देखिए उसी दिन एक संविदा मान ली जाती है कि जब यह पक्षकार मर जाएगा और मुकदमा अभी समाप्त नहीं हुआ है वाद का निस्तारण नहीं हुआ है तो उसकी स्थिति में उसकी मृत्यु की सूचना जो है जाकर के न्यायालय को देगा अब यह प्रावधान कहाँ दिया गया है तो इसको भी आप जान लीजिए आदेश बाईस का नियम दस ए यह यही प्रावधान जोड़ा गया है और यह जो है कब जोड़ा गया है तो उन्नीस सौ छिहत्तर का जो संशोधन था इसी के तहत इस प्रावधान को यहाँ पर शामिल किया गया है तो वही बातें हैं कि आदेश बाईस दस का पक्षकार की ओर से और से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो वह न्यायालय को इसकी इत्तिला देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु को की सूचना जो है दूसरे पक्षकार को देगा अब देखिए यहां पर दो बातें हैं एक तो यह हो गई कि न्यायालय को सूचना कौन देगा तो न्यायालय को सूचना जो है लीडर देगा अब न्यायालय को जब सूचना प्राप्त हो गई तो वह दूसरे पक्षकार को सूचना कौन देगा तो वह प्लीडर दूसरे पक्षकार को सूचना नहीं देने जाएगा बल्कि दूसरे पक्षकार को सूचना न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा यह बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर और मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में माना जाएगा उपधारणा की जाएगी कि पक्षकार में और जो मर गया व्यक्ति उसके बीच में यह एक विवक्षित संविदा थी कि वह जब मर जाएगा तो उसकी सूचना वह न्यायालय को देगा अगला प्रश्न है वाद के प्रत्याहरण का अधिकार किसको है तो वाद का प्रत्याहरण से क्या तात्पर्य है उसको वापस लेना विदड्रॉ करना अपना जो मामला है उसको वापस लेना तो वाद के प्रत्याहरण का जो अधिकार होता है यह वादी का एक सीमित अधिकार है और कुछ शर्तों के द्वारा यह बाधित होता है अर्थात उसकी वह पूरा पूर्ण जो है अधिकार नहीं है कि वह जब चाहे मामले को वापस ले ले तो इसके संदर्भ में आपको प्रावधान जो है कहाँ मिलेगा तो आदेश के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है Next question है। है सूत्र नॉन डाटूर अर्थात ये है कि बिध किसी व्यक्ति को अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती है अर्थात अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हमको कोई उपचार नहीं चाहिए तो न्यायालय यह नहीं कहेगा कि नहीं जबरदस्ती आपको यह उपचार लीजिए ही अर्थात ये एक व्यक्ति है इसकी इतनी ज़मीन है इस पर बी ने कब्जा कर लिया अब ए को कोई फर्क नहीं ठीक है जाओ कब्जा कर लिए तो कर लिए अब ऐसी स्थिति में न्यायालय यह जबरदस्ती नहीं कहेगा कि तुम हमारे यहाँ वास्त संस्थित करो और हम तुम्हारे पक्ष में फैसला दें और यह तुम्हारी ज़मीन जो है जो है बी क्यों ले रहा है तो जब तक ये अधिक उपचार नहीं मांगेगा तब तक जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको न्यायालय के द्वारा कोई उपचार नहीं दिया जाएगा ऐसा प्रावधान आपको कहाँ मिल जाएगा तो आदेश तेईस नियम एक के अंतर्गत यह प्रावधान मिलेगा अब आदेश तेईस नियम एक को देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वाद का संस्थित किए जाने के बाद किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा तो ये एक व्यक्ति है इसने बी सी डी ई इन सब के विरुद्ध जो है मामला संस्थित किया है अब वाद जब संस्थित कर दिया है तो वाद जब चल रहा है उसके दौरान कभी भी यह चाहे तो बी और सी को माफ कर दे कि जाओ हम तुमको छोड़ दे रहे हैं लेकिन डी और ई e के विरुद्ध जो है मुकदमा हुआ कंटिन्यू रखे यह पूरी तरह से उसका अधिकार है और यहाँ पर न्यायालय यह नहीं कह सकता कि नहीं तुम इनके विरुद्ध अपना दावा क्यों छोड़ रहे हो बल्कि इन सब को सबके विरुद्ध तुम अपना दावा कंटिन्यू रखो यह जो है उसको नहीं कहा जाएगा यह यही प्रावधान आदेश तेईस नियम एक के तहत मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी का आदेश तेईस यह किस पर लागू होता है तो आदेश तेईस जो है किस पर लागू होता है अर्थात इसके इसके अंतर्गत किसके बारे में प्रावधान है तो यहाँ पर जो प्रावधान है आदेश तेईस में यह है वादों का प्रत्याहरण या वादों को वापस लेना या उनका समायोजन करना बाकी निष्पादन के बारे में प्रावधान आपने देखा था आदेश इक्कीस के अंतर्गत दिया गया है और अपील से संबंधित जो प्रावधान है यह कई आदेशों के अंतर्गत मिल जाएंगे आपको जैसे आदेश इकतालीस में अपील का साधारण प्रावधान है फिर बयालीस में मिल जाएगा अपीली डिक्री की अपील फिर तिरालीस के अंतर्गत मिल जाएगा आदेशों की अपील फिर चौवालीस के अंतर्गत मिल जाएगा जो निर्धन व्यक्तियों के बारे में अपील है या निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील के प्रावधान है फिर आपको पैंतालीस में मिल जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील तो इकतालीस से लेकर के पैंतालीस तक की जो आदेश हैं यह किससे संबंधित हैं यह संबंधित हैं अपील से आप लोग इस सभी को एक बार कहीं एक जगह पर नोट कर लीजिए चाहे इसको ऐसे ही याद कर लीजिए इकतालीस बयालीस तिरलीस चौवालीस और पैंतालीस ये सभी जो आदेश हैं, इससे संबंधित हैं अपील से संबंधित हैं आदेश हमसे पूछा गया है, तो वाद का वापस लिया जाना इससे संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद के प्रत्याहरण के पश्चात वादी यहां पर क्या कर सकता है तो वह जो है समान वाद हेतु पर नया वाद दायर कर सकता है तो यह गलत होगा क्योंकि वाद जब उसने वापस ले लिया तो उसी वाद हेतु के विषय में वह वा नया वाद नहीं संस्थित कर सकता है दूसरा है कि समान वाद हेतु पर नया वाद दायर कर सकता है लेकिन न्यायालय की अनुमति पर यह भी गलत है क्योंकि जब उसने वाद वा, वापस ले लिया तो ऐसी स्थिति में वह वा नया वाद उसी वा, वाद हेतु पर नया वाद संस्थित नहीं कर सकता है तीसरा है कि समान वाद हेतु पर न्यायालय की अनुमति के बिना भी यह भी बिल्कुल गलत है और इसके अंतर्गत चौथा आता है कि समानवाद हेतु पर नया वाद दायर नहीं कर सकता जब तक कि प्रत्याहरण के समय न्यायालय की अनुमति प्राप्त न हो यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी अर्थात जब चाहे आपने मुकदमा वापस ले लिया फिर उसी वाद हेतु पर जाकर के दूसरा वाद संस्थित करना चाहते हैं तो यह अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी ऐसी अनुमति आप उसी वाद हेतु पर नया वाद तभी संस्थित कर सकते हैं जब जब आप मामला वापस ले रहे थे तो उस समय आपने न्यायालय से अनुमत लिया था कि साहब कुछ कारण है इसलिए हम अपने इस मामले को वापस लेना चाहते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदेश तेईस नियम तीन सीपीसी के अंतर्गत समझौते के संबंध में सही नहीं है आदेश तेईस नियम तीन पहली बात तो आपको आदेश यही ध्यान रखना है कि वाद में समझौता इसके संदर्भ में प्रावधान कहाँ दिया गया है आदेश तेईस नियम तीन के अंतर्गत अब देखिए इसके अंतर्गत कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है पहला है पक्षकार के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए यह बात बिल्कुल सही है यह नियम तीन के अंतर्गत बताया गया है दूसरा है कि लिखित और विधिपूर्ण करार से संबंधित होना चाहिए ऐसा समझौता है वह भी बिल्कुल सही है तीसरा है कि यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो कि वाद की विषय वस्तु हो तो यही जो कथन है यह गलत है क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि चाहे करार समझौते या तुष्ट की विषय वस्तु वही हो या न हो जो कि वाद की विषय वस्तु है वहा तदनुसार डिक्री पारित करेगी तो इसके संदर्भ में जो है यह समझौता आवश्यक नहीं है और इसी के जो नियम तीन का स्पष्टीकरण है उसमें यह बताया गया है कि यदि भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन वह समझौता सुनिकरणी है तो वह इस तब जो है इस नियम के तहत भी वह सुनिकरणी ही होगा अर्थात विधिपूर्ण नहीं होगा तो यह जो है सभी सही है तीसरा विकल्प ही सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वाद के पक्षकार वाद के पक्षकार वाद में समझौता कर सकते हैं तो किस प्रावधान के तहत तो देखिए वही प्रश्न आ गया कि समझौता जो है किस प्रावधान के तहत कर सकते हैं तो आदेश तेईस नियम तीन के तहत जो है ऐसा समझौता किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था तो ऐसी स्थिति में क्या होगा तो अगर कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है अर्थात यहां पर होता क्या है कि दो पक्षकार हैं वह आपस में किसी मामले को लेकर के सहमत हो गए वो उस मामले में आगे जो है कार्यवाही नहीं चाहते हैं बल्कि वह उसी पे समझौता करना चाहते हैं तो उनके समझौते के आधार पर न्यायालय क्या करेगा डिक्री पारित कर देगा लेकिन अगर उनका जो समझौता है वह अवैध रूप से था अर्थात असाम्यक असर से कपटपूर्वक भूल या उसको डरा धमका करके वैसा समझौता किया गया और उस आधार पर यहाँ पर डिक्री पारित कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में ऐसा समझौता अगर विधिपूर्ण नहीं था तो वहां पर क्या होगा तो, तो जो है कोई डिक्री अपास्त करने के लिए कोई वाद जो है इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर आधारित थी वह विधिपूर्ण नहीं था इसलिए डिक्री अगर पारित कर दी गई है तो वहां पर कोई भी समझौता जो है हेर फेर नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद संस्थित नहीं किया जा सकता ऐसा जो प्रावधान है वह कहाँ मिलेगा आपको तो आदेश तेईस के अंतर्गत और नियम क्या है तो नियम तीन ए इसी में यह प्रावधान दिया गया है कि आपका जो समझौता चाहे जैसे आपने किया उसी समय आपको बता देना है कि हाँ यह समझौता जो है स्वतंत्र नहीं है बल्कि डरा धमका कराया गया है बाद में उसी समझौते के आधार पर न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी गई तब जा कर के आप बता रहे हैं कि साहब यह समझौता जो है हमको डरा करके कर कराया गया था तो उस आधार पर जो है डिक्री जो है अपास्त नहीं की जाएगी तो यहां पर यह प्रावधान कब जोड़ा गया है तो आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है यह उन्नीस सौ छिहत्तर का जो संशोधन था सीपीसी का इसी के तहत इस प्रावधान को जोड़ा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है अब देखिए यहां पर आदेशों को सुमेलित किए जाने के संदर्भ में जो है पूछा जा रहा है तो आदेश चौबीस के अंतर्गत चौबीस के अंतर्गत न्यायालयों में जमा करना इसके संदर्भ में प्रावधान है यह बिल्कुल सही है सुमेलित है आदेश पच्चीस के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान है यह भी सुमेलित है इसके बाद आदेश सत्ताईस है आदेश सत्ताईस के अंतर्गत यहाँ पर जो है कमीशन से संबंधित प्रावधान नहीं है तो यही सुमेलित नहीं है बल्कि कमीशन के बारे में जो प्रावधान है यह आपको आदेश छब्बीस के अंतर्गत और धारा अगर आप देखेंगे तो धारा पचहत्तर के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है जबकि आदेश सत्ताईस के अंतर्गत सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद के बारे में प्रावधान मिलता है आदेश तेईस को देखेंगे तो वादों के प्रत्याहरण और समायोजन से संबंधित भी प्रावधान मिलता है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सुमिलित नहीं है अगला प्रश्न है जब जब न्यायालय के द्वारा सी के आदेश पच्चीस के अंतर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित किया जाता है और वह प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय आदेश पारित करेगा न्यायालय कौन सा आदेश पारित करेगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए यह जो पहला विकल्प है यही सही है आप आदेश पच्चीस को देखेंगे पच्चीस का जो नियम दो है इसी में यह प्रावधान दिया गया है कि उस दशा में जिसमें नियत समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वाद को खारिज कर देगा और जब इस प्रकार से वाद खारिज कर दिया जाता है तो वहाँ ऐसी खारिजी को आपास्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा यह रियायत दी गई है आपको आदेश दिया गया कि आप प्रतिभूति जमा कीजिए आपने जमा नहीं किया तो न्यायालय वाद खारिज कर देगा अब आपने कहा कि साहब आपने खारिज ये जो खारिज आप किए हैं इसको वापस ले लीजिए अर्थात ऐसी खारिजी को निरस्त कर लीजिए तो इसके लिए आपको जो है आवेदन करने की अनुपत्ति होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन किस लिए निर्गत नहीं किया जा सकता अर्थात यहाँ पर यह पूछा है कि किस आधार पर जो है स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है किस उद्देश्य से जारी किया जा सकता है तो कमीशन के बारे में पहले एक बात सारी बातें देख लीजिए एक स्थान पर कि कमीशन के बारे में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है तो अगर आदेश की बात करेंगे तो आदेश जो है ऑर्डर ट्वेंटी सिक्स है आदेश छब्बीस है धाराओं के संबंध में अगर बात करेंगे तो भाग कौन सा है भाग तीन के अंतर्गत आता है कमीशन धारा कहाँ से पचहत्तर से लेकर के अठहत्तर तक के अंतर्गत कमीशन के बारे में प्रावधान दिया गया है अब आइए हम प्रश्न पे आते हैं तो यहाँ पर स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन की बात की जा रही है क्योंकि कमीशन जो है कई उद्देश्य से जारी किया जाता है तो जब हम इसको देखेंगे धारा पचहत्तर को तो यहाँ पर और भी स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन उद्देश्यों से कमीशन जारी किया जाता है तो पचहत्तर के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए स्थानीय अन्वेषण के लिए लेखाओं की परीक्षा करने के लिए विभाजन के लिए वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए किसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए अनुसूचीवीय कार्य करने के लिए इन सब कार्यों के लिए जो है कमीशन जारी किया जाता है अब देखिए जब यहाँ पर यह तो विषय बताए गए हैं अब स्थानीय अन्वेषण की बात की जा रही है तो स्थानीय अन्वेषण के लिए जो कमीशन की अनुमति धारा पचहत्तर देती है वही आदेश छब्बीस का जो नियम नौ है इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो स्थानीय अन्वेषण है वह किस किस कार्यों के लिए स्थानीय अन्वेषण हो सकता है तो किसी तथ्य पर साक्ष इकट्ठा करने के लिए इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाए इसके लिए कमीशन जारी नहीं किया जाएगा और मामले के विशदीकरण के लिए अंतकालीन लाभ की राशि का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का जो मार्केट प्राइस है उसका निर्धारण करने के लिए जो है कमीशन जारी किया जा सकता है लेकिन जो पहला वाला आधार है यह स्थानीय अन्वेषण करने के लिए इसके लिए कमीशन जारी नहीं किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आदेश छब्बीस सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है तो किस आ, के लिए जो है कमीशन जारी नहीं किया जा सकता आदेश 26 के अंतर्गत तो आप इसके देखेंगे तो यहाँ पर है साक्षियों की परीक्षा करने के लिए इस आधा इसके लिए जो है कमीशन जारी किया जा सकता है स्थानीय अन्वेषण के लिए इसके लिए भी कमीशन जारी किया जाता है वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भी कमीशन जारी किया जाता है लेकिन रिसीवर की नियुक्ति करने के लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता बल्कि यह जो है न्यायालय का कार्य है वह न्यायालय जो है अगर आवश्यक समझे तो रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है नेक्स्ट है स्थानीय जांच करने के लिए कमीशन किस के तहत गठित किया जा सकता है तो आपने देखा स्थानीय अन्वेषण के लिए जो कमीशन है यह आदेश छब्बीस नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है अब देखिए यह आदेश है आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछे जाते हैं या इस तरह से दे दिया जाएगा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है तो आपको आदेश जो है विशेष रूप से कोशिश किया करिए कि आपको कुछ आदेश जो है कम से कम दस पंद्रह बीस आदेश जो महत्वपूर्ण है वो याद होते जाए हम कोशिश इसीलिए करते हैं कि जितने भी आदेश आपके सामने आए उनके बारे में हम चीजों को आपको वही बता दें कम से कम आपके आंखों के सामने से यह गुजरेगा दो चार बार तो कुछ चीजें अपने आप याद हो जाएंगी या परीक्षा में आप देखते ही उस पर कुछ अंदाजा लगा पाएंगे अगर याद नहीं है तब तो कमीशन जारी करने से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है तो आदेश 26 के अंतर्गत इसी के साथ साथ आपने देखा था धारा धारा कौन सी थी तो धारा जो है पचहत्तर थी आदेश चौबीस में क्या प्रावधान है तो न्यायालयों में जमा करना चौबीस जमा करने से संबंधित है पच्चीस किससे संबंधित है तो खर्चे से संबंधित है और इसी के साथ साथ सत्ताईस को जो आप देखेंगे तो यह सरकार के विरुद्ध यह जो है आदेश सत्ताईस से लेकर के तैतीस तक आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपसे पूछा जाता है खास करके अट्ठाइस uh, के बाद उन्तीस जो आता है निगम के विरुद्ध या उसके द्वारा कोई वाद संसित किया जाना है तो सरकार सैनिक निगम फर्म न्यासी uh, कोई चित्त विकृत व्यक्ति है निर्धन व्यक्ति है तो यहाँ से जो है आदेश सत्ताईस से लेकर के तैतीस से जैसे भी अगर आप ट्रिक वगैरह लगा सकें तो लगा करके उसको याद कर लीजिएगा वहाँ से केवल और केवल जब कभी पूछा जाता है तो मात्र आदेश पूछा जाता है उसके कोई भी प्रावधान कभी नहीं पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए न्यायालय कमीशन किस प्रावधान के अंतर्गत जो है यह जारी कर सकता है तो वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए जो कमीशन जारी किया जाता है तो यह जो है सीपीसी के अंतर्गत पूछा गया है कि किस आदेश या किस नियम के तहत जारी किया जाता है तो आदेश छब्बीस जैसा कि आप जानते हैं यह कमीशन से संबंधित है तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए आदेश 26 नियम के अंतर्गत जारी किया जाता है तो आप विशेष रूप से आप अगर इस तरह से प्रश्न पूछा दिया गया है तो जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा तब तक आप कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी में देखिए आदेश वही दिया गया है नियम भी देखिए दस क ख ग नियम ग्यारह तो इस प्रकार से एग्जैक्ट अगर आपको याद नहीं है तो आप गलत जरूर करेंगे तो वैज्ञानिक अन्वेषण नियम दस क के अंतर्गत अनुसचिवी कार्य दस ख के अंतर्गत क्या है अनुसचिवी कार्य और दस ग के अंतर्गत क्या है जंगम अर्थात चल संपत्ति की विक्रय के लिए चल संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन तो इस प्रकार से यहां पर कमीशन जारी किया जाता है तो नियम दस क, ख, ग, और तीनों प्रावधान आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकेगा तो किसके लिए जो है न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है तो आप देखें कि किसी विषय के विशदीकरण के लिए कमीशन जारी करता है बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए भी कमीशन जारी करता है क्योंकि यह सब आपको यहाँ पर नियम नौ के अंतर्गत ही मिल जाता है आदेश छब्बीस में इसके साथ साथ अंतकालीन लाभ या नुकसानी का निर्धारण करने के लिए भी कमीशन जारी किया जाता है लेकिन वाद विषय का निर्धारण करना इसके लिए कोई कमीशन जारी नहीं कर किया जाता बल्कि यह जो है कौन करता है न्यायालय स्वयं करता है वाद विषय का जो या वाद हेतु का जो निर्धारण है वह न्यायालय के द्वारा स्वयं किया जाता है तो इसके लिए कमीशन जारी नहीं किया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी के अधीन जब कोई कमीशन जारी किया जाता है तो यदि कमिश्नर जो है यदि सिविल न्यायालय का न्यायाधीश न हो तो इसके संदर्भ में आगे कौन सा जो कथन है वह सही होगा तो अगर जो है कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहां पर वह क्या कर सकता है उसकी क्या शक्तियां होंगी तो वह उस मामले में किसी साक्षी को बुला सकता है यह बिल्कुल है वह साक्षी कोई भी कमिश्नर है वह साक्षी को बुला सकता है और कार्यवाही के दौरान पूछे गए प्रश्नों की विधिकता तय कर सकता है यह भी सही है जो प्रश्न उससे पूछा जाता है वह भी सही उसके संदर्भ में जो प्रश्न है वह किस प्रकृति के हैं उनका वैधानिकता को भी वह तय कर सकता है समय बढ़ा सकता है और व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए छूट प्रदान कर सकता है यह सभी जो कार्य हैं वह कमिश्नर कर सकता है चाहे वह सिविल न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे वह न्यायाधीश न हो लेकिन इसके अंतर्गत जो चौथा है कि कोई सस्ती या जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकता और न्यायालय की अनुमा अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकता है ऐसा वह तभी कर सकेगा जबकि वह किसी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश है अन्यथा कोई भी कमिश्नर इस प्रकार का कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकता किसी को कोई दंड नहीं दे सकता कोई कंटेम्प्ट कोर्ट की जो कार्यवाही है वह नहीं कर सकता है अगर वह तभी ऐसा करेगा जबकि वह सिविल न्यायालय का न्यायाधीश है तो यह विशेष रूप से ध्यान रखें आदेश 26 और नियम 17। आदेश 26, रूल 17। तो 17 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध या अपनी पदी हैसियत में लोक अधिकारियों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद किस आदेश के तहत संस्थित किया जाता है तो जैसा कि हमने हमने बताया कि आदेश सत्ताईस से लेकर के आदेश तैंतीस तक के सभी आप आदेशों को क्रम से याद कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो ऐसा जो प्रावधान है आदेश सत्ताईस के अंतर्गत सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद आदेश सत्ताईस के तहत छब्बीस में आपने देखा क्या है कमीशन के बारे में प्रावधान किया गया है और सत्ताईस में सैनिक के द्वारा या सैनिक के कार्य के लिए उनका या उनके विरुद्ध या उनके द्वारा कोई जो है वाद संस्कृत किया जाएगा यह जो है निगम से संबंधित है आदेश 29 नेक्स्ट है राज्य सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर करता है तो यहां पर अगर सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद संस्कृत किया जाता है तो वाद पत्र पर हस्ताक्षर कौन करेगा मान लीजिए यह वाद सरकार की ओर से ही लाया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे सरकार के द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश से इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वही क्या करेगा उस पर हस्ताक्षर करेगा उसको सत्यापित करे सत्यापित भी किएगा करेगा नेक्स्ट है सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है तो संवैधानिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित जो प्रावधान है या उसकी विधिमान्यता को चुनौती देने से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है यह जो है आदेश 27 क, आदेश क क और नियम एक क, 27 ए, नियम एक एक ए ए के अंतर्गत आप देखिए यह सब चीजें ऐसी हैं कि जब आप विशेष रूप से इसको गहनता से पढ़ेंगे तभी इसको आप सही कर पाएंगे अन्यथा यह भी गलती होने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी तो यह जो है उत्तर प्रदेश पीसी में यह सवाल पूछा गया है हालांकि इसी प्रकार से नए नए प्रश्न जो है कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन चार छः जरूर डाल दिए जाते हैं भले ही इनकी संख्या बहुत कम रहती है अगर आपको पता नहीं है और आपने तुक्का लगाया सही हो गया तो ठीक है गलत हो गया तो आपका नुकसान करते हैं माइनस मार्किंग के रूप में इसलिए जो है अगर दस प्रश्न भी इस तरह से डाल दिए गए और मान के लिए कि उसमें से आठ प्रश्न गलत हो गए तो आपका तीन चार नंबर का नुकसान कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे वाद में जिसमें संविधान के निर्वचन या सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं वहाँ पर जो नोटिस है या सूचना है वह किसको दी जाएगी अब देखिए आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि अगर संविधान की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से यह केंद्र की बात हो रही है यहाँ पर राज्य को आपको यहाँ पर नहीं शामिल करना है तो इसलिए जो है शासकीय अधिवक्ता और कलेक्टर और सचिव इन सबको आप हटा देंगे

तो यह विशेष रूप से आपको यह सारी बातें ध्यान रखनी है नेक्स्ट है सीपीसी का के आदेश सत्ताईस ए नियम दो के अंतर्गत न्यायालय सरकार को किस रूप में पक्षकार सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है तो यहाँ पर नियम दो को जब देखेंगे सत्ताईस ए का तो यहाँ पर सरकार को वाद में जो है प्रतिवादी को रूप में जोड़ा जाएगा पक्षकार कैसे जोड़ेंगे प्रतिवादी के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है अब फिर वही आदेश हैं और उनसे संबंधित जो प्रावधान है आपको उसके सुमेलित करना है तो आप आदेश अट्ठाईस को देखिए अट्ठाइस के अंतर्गत किस बारे में प्रावधान है तो यहाँ पर सैनिक या साए, नौ सैनिक वायु सैनिक अर्थात यहाँ पर तीनों प्रकार के जो सैनिक हैं उनके द्वारा या उनके विरुद्ध कोई वाद संस्थित किए जाने से संबंधित है यह सुमेलित है और उनसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है आदेश उनतीस निगम के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद उसके बाद आता है आदेश तीस इसके अंतर्गत फर्म के द्वारा या उनके विरुद्ध कोई वाद फिर आता है आदेश इकतीस के अंतर्गत अवयस्क और चित्तविकृत व्यक्तियों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद तो अवयस्क व्यक्तियों के विरुद्ध कोई वाद जो संस्कृत किया जाता है इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह आदेश इकतीस के अंतर्गत नहीं दिया गया है बल्कि यह प्रावधान जो है आदेश बत्तीस के अंतर्गत दिया गया है और आदेश इकतीस के अंतर्गत न्यासियों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद तो यही जो है यह सुमेलित नहीं है तो इकतीस किससे संबंधित है तो न्यासियों के द्वारा या उनके विरुद्ध कोई वाद संस्थित होता है अवयस्क व्यक्ति या चित्त चित विकृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद है तो आदेश बत्तीस के तहत होता है इसी प्रकार से आप अगला भी ध्यान रखें आदेश तैतीस तो आदेश तैतीस के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों के द्वारा या उनके विरुद्धवाद संस्थित होता है नेक्स्ट है आदेश उनतीस सीपीसी संबंधित है किससे संबंधित है तो निगम के द्वारा या उनके विरुद्धवाद सरकार के विरुद्ध किससे संबंधित कौन सा आदेश है तो आदेश सत्ताईस है निर्धन व्यक्तियों से संबंधित आदेश तैंतीस है और निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील या आदेश चौवालीस है तो आप निर्धन व्यक्ति से संबंधित दो तो आदेशों को विशेष रूप से ध्यान रखें तैतीस और चौवालीस को नेक्स्ट है आदेश बत्तीस नियम एक सीपीसी के तहत अवयस्क व्यक्ति से अभिप्रेत है अर्थात कौन सा व्यक्ति अवयस्क माना जाएगा आदेश बत्तीस नियम एक के तहत तो आदेश बत्तीस और नियम एक के तहत अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो कि भारतीय वयस्कता अधिनियम के अधीन जो है वह वयस्कता प्राप्त नहीं किया गया है किया है यही सही होगा और प्रावधान कहाँ है आदेश बत्तीस नियम एक के अंतर्गत नेक्स्ट है सीपीसी में प्रयुक्त शब्दावली वादार्थ संरक्षक से क्या तात्पर्य है तो वादार्थ संरक्षक के बारे में जो प्रावधान है यह मिलेगा आपको आदेश बत्तीस के नियम तीन के अंतर्गत तो वादार्थ संरक्षक के तात्पर्य होता है एक व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से बचाव करता है अब देखिए आपको दो बातों को विशेष रूप से पकड़ना होगा क्योंकि अगर यह अगर नहीं जानते रहेंगे तो अगर वह पूछा गया तो आपसे गलती होना एकदम उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप गलती ना करें एक तो हो गया वादार्थ संरक्षक और दूसरा हो गया वाद मित्र तो वादार्थ संरक्षक से आप क्या समझ रहे हैं ऐसा सम, यह महसूस हो रहा है इस शब्द को देख करके कि इसकी तरफ से कोई व्यक्ति इसकी सुरक्षा कर रहा है तो निश्चित रूप से इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इसको प्रतिवादी बनाया जा रहा है अगर अवयस्क व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी तरफ से कोई कार्य जो करने वाला व्यक्ति है वह क्या कहलाएगा? और वाद मित्र क्या होता है तो वादी जो होता है जब अपनी एक अवयस्क व्यक्ति है और वह वादी है तो वह वाद किसकी सहायता से लाएगा वह वाद मित्र की सहायता से लाए जाए लाएगा तो वादी है तो उसकी ओर से जो बचाव करेगा वाद मित्र कहलाएगा अगर प्रतिवादी अवयस्क है उसकी ओर से उसका बचाव करने वाला व्यक्ति तो क्या कहलाएगा वादार्थ संरक्षक कहलाएगा तो हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सीपीसी में प्रयुक्त शब्दावली वादार्थ संरक्षक से क्या तात्पर्य है तो कमिश्नर न्यायालय तो होगा नहीं एक व्यक्ति जो पागल व्यक्ति की तरफ से बचाव करता है एक व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से बचाव करता है तो पागल व्यक्ति इसी में नहीं आएगा बल्कि कौन आएगा अवयस्क व्यक्ति आएगा और इसकी तरफ से कोई जो बचाव करता है उसको कहा जाएगा वादार्थ संरक्षक और इसकी तरफ से जो वाद ले आता है उसको कहा जाएगा वाद मित्र आप विशेष रूप से इसको ध्यान रखें नेक्स्ट है अवयस्क द्वारा वाद संस्थित किया जा सकेगा अब देखिए अवयस्क के द्वारा वाद संस्थित किया जा रहा है तो अवयस्क जब भी वाद संस्थित करेगा तो आपने क्या भी देखा किसके माध्यम से वाद मित्र के द्वारा तो दूसरा विकल्प यहां पर सही होगा नेक्स्ट है न्यायालय की इजाजत के बिना किसी वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक के द्वारा अवयस्क की ओर से किया गया करार या समझौता या अवैध होगा अर्थात यहाँ पर न्यायालय की इजाजत के बिना किया जा रहा है तो न्यायालय की इजाजत के बिना किसी भी वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक के द्वारा अवयस्क की ओर से जो किया गया समझौता हो गया वह क्या होगा अवयस्क के भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध वह क्या होगा शून्यकरणीय हो गया तो यहां पर तीसरा विकल्प सही है इसके बारे में आप प्रावधान देखें कहाँ दिया गया है तो आदेश 32 के अंतर्गत जो नियम 7 है आदेश 32 और रूल 7 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह दिया गया है नेक्स्ट है आदेश 32 नियम 9 के अंतर्गत एक अवयस्क के वाद मित्र को हटाया जा सकता है तो वाद मित्र को कैसे हटाया जा सकता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है जैसा कि आपने देखा कि वाद मित्र किसको कहा कहा जाएगा तो आदेश बत्तीस नियम एक के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अवयस की ओर से वाद ले आता है तो उसको वाद मित्र कहा जाता है और उसको नियुक्ति की जाती है और नियम नौ के तहत उसको हटाया जाता है तो उसको हटाया तब जाता है जबकि यदि वाद के लंबित रहने के दौरान वह भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है यह बिल्कुल एक आधार है इस आधार पर उसको हटा दिया जाएगा वाद मित्र के पद से दूसरा है कि उसका हित अवयस्क के हित के विरुद्ध हो जाता है यह भी सही है वह अपना कर्तव्य नहीं करता है तो अर्थात इन सभी आधारों पर किसी भी वाद मित्र को उसके पद से हटाया जा सकता है अगला प्रश्न है क्या अवयस्कवाद एकमात्र वादी होने पर उसके नाम से वादमित्र के द्वारा दायर वाद को अयुक्तयुक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज कराने हेतु आवेदन कर सकता है तो यहाँ पर होता क्या है कि एक व्यक्ति है वह अवयस्क है और अवयस्क है उसी दौरान उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने उसके नाम पर मुकदमा दायर कर दिया कि यह बच्चा अवयस्क है और हम इसकी तरफ़ से मुकदमा दायर कर रहे हैं लेकिन जब वह बच्चा बड़ा होता है वयस्क होता है तो उसको यह पता चलता है कि हमारे नाम का यहाँ पर जो है अनुचित फ़ायदा उठाया गया और कोई आधार नहीं था फिर भी यह मामला संस्थित किया गया हमारे नाम पर जबकि हम उस समय नासमझ थे जो है अवयस्क थे बड़ा होने के बाद वह अच्छा और ख़राब को जानता है समझता है और वह चाहता है कि यह जो वाद है उसको समाप्त किया जाए और क्योंकि यह आयुक्तयुक्त था अनुचित था तो क्या वह न्यायालय को आवेदन दे सकेगा तो हाँ वह बिल्कुल दे सकेगा वह ऐसे मामले को खारिज करा सकता है इसके बारे में प्रावधान जो है आपको मिलेगा आदेश बत्तीस के अंतर्गत और नियम कौन सा मिलेगा तो नियम चौदह के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है अब इसमें देखें क्या दिया गया है यदि अवयस्क एकमात्र वादी है तो वह वयस्क होने पर आवेदन न्यायालय से कर सकेगा कि उसके नाम में उसके वाद मित्र के द्वारा संस्थित वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि वह जो वाद था वह अयुक्तुक्त था और अनुचित था नेक्स्ट है अवयस्क पक्षकार के वाद में कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा तो अवयस्क पक्षकार के मामले में कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा कब नहीं रोका जाएगा तो इसको देखेंगे वाद मित्र के निवृत्त हो जाने पर इस आधार पर जो है अवयस्क वादी के वयस्क हो जाने पर तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही सही है कि अगर वादी है वह वयस्क हो जाता है तो इस आधार पर जो है वहाँ पर जो कार्यवाही है उसको रोक नहीं दिया जाएगा बल्कि वह कार्यवाही क्या होगी कंटिन्यू रहेगी चालू रहेगी और आदेश बत्तीस नियम बारह को देखेंगे तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है कि अगर अवयस्कवादी वयस्क हो जाता है तो वह यह निर्वाचित करेगा कि वाद आगे चालू रहे या रोक दिया जाए लेकिन जब तक वह कोई निर्वाचन नहीं करता है तब तक जो वाद है वह वा, रोका नहीं जाएगा बल्कि वह कंटिन्यू रहेगा तो दूसरा विकल्प सही है आदेश देख लीजिए बत्तीस है और नियम बारह है नेक्स्ट है परिवार या कुटुंब से संबंधित वाद में प्रक्रिया कौन सी होगी यह कहाँ दिया गया है तो आदेश बत्तीस ए सी के अंतर्गत परिवार या कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद के बारे में प्रावधान दिया गया है अब इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनको कुटुंब से संबंधित मामला समझा जाता है तो उसको हम आगे देखेंगे तो सी के आदेश बत्तीस ए में परिवार से संबंधित मामलों में के वाद में प्रक्रिया बताया गया है यह निम्न वादों या कार्यवाही को लागू होता है अर्थात कौन कुटुम्ब -कौन से, कुटुम से संबंधित तो धर्मता के बारे में निर्धारण की घोषणा के लिए भरण पोषण दत्तक ग्रहण की विधिमान्यता किसी व्यक्ति की संरक्षकता या अवयस्क या निश सदस्य की अभिरक्षा के बारे में कोई वाद या कार्यवाही यह सब क्या है पारिवारिक कार्यवाही मानी जाएंगी बिल अर्थात वसीयत निर्वसीयता उत्तराधिकार के बारे में कुटुंब के किसी सदस्य के द्वारा कोई कार्यवाही संस्थित की गई है या अन्य विषय के बारे में कोई वाद या कार्यवाही जिसके संबंध में कोई पक्षकार अपनी स्वीव विधि या पर्सनल लॉ के अधीन कार्य जो है वह है तो यह सब क्या होंगे यह सभी कुटुंब से संबंधित जो है मामले समझे जाएंगे और यहाँ पर आदेश बत्तीस ए का जो प्रावधान है वह लागू होगा और आदेश बत्तीस ए को कभी पूछा जाए कि इसे कब जोड़ा गया है उन्नीस सौ छिहत्तर का जो सीपीसी का संशोधन था इसी के तहत इसको जोड़ा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है अकिंचनवाद या निर्धनवाद इसको विशेष रूप से ध्यान रखें अकिंचनवाद किसे कहते हैं निर्धनवाद किसे कहते हैं तो निर्धनवाद के बारे में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है सबसे पहले आप इसको जान लीजिए इसके बारे में प्रावधान जो है आदेश तैतीस के अंतर्गत और निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील कहाँ बताई गई है चौवालीस के अंतर्गत विशेष रूप से इसको ध्यान रखें अब आइए प्रश्न पर कि यहाँ पर पूछ रहा है कि अकिंचन मुकदमे का क्या अर्थ है तो अकिंचन व्यक्ति का तात्पर्य आपने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो कि निर्धन है और निर्धन है या जरूरतमंद व्यक्ति है और उसके द्वारा जो कोई वाद संश किया जाता है उसे ही निर्धन वाद कहा जाता है अब निर्धन किसको समझा जाएगा अगर आपको इसको जानना है तो यह आप आदेश 33 को देखेंगे नियम एक को रूल एक वन इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति निर्धन तब है जबकि उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वह कोर्ट फीस दे सके या जहाँ ऐसी कोर्ट फीस विहित नहीं है अर्थात कोई कोर्ट फीस निर्धारित नहीं है कितनी कोर्ट फीस दी जाए और वह एक हजार से मूल्य की संपत्ति जो है जो कि डिक्री के निष्पादन से कुर्की से छूट प्राप्त है उससे भी कम उसके पास संपत्ति है तो ऐसी जो संपत्तियां हैं इतनी कम उसके पास अगर संसाधन है तो वह निर्धन समझा जाएगा नेक्स्ट है कोई व्यक्ति तब अकिंचन है वही बात यहाँ पर है जब उसके पास निर्धारित न्यायालय शुल्क देने को पर्याप्त साधन नहीं है यह कथन सही है और वह जो है निर्धन समझा जाएगा दूसरा है कि जब वह निर्धारित न्यायालय शुल्क देने में धन इकट्ठा नहीं कर सकता तो यह गलत है जब घरेलू नौकर है उसके पास घर है चार सौ रुपए मजदूरी मिलती है बर्तन ये सब कोई आधार नहीं है बल्कि पहला ही आधार होगा और इसी आधार पर वह माना जाएगा कि वह निर्धन है या अकिंचन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रावधान के अंतर्गत अकिचनवाद प्रस्तुत किया जा सकता है तो अकिचनवाद जो है किस प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया जाता है तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिल जाएगा आपको आदेश तैतीस नियम एक के अंतर्गत अब इसके संदर्भ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो बाकी की बातें हैं उसको हम पूरा पूरी तरह से देखते जाएंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है यह मेंस में भी बहुत पूछा जाता है आपसे हालांकि कभी आप हमसे मेंस के लिए जब जुड़ेंगे तो उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे कैसे इसका उत्तर लिखना है और नोट्स वगैरह किस तरह से आपको मिल जाएगा नेक्स्ट है कब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है या यदि कोई आवेदन दिया गया है तो उसे नामंजूर किया जा सकता है तो देखिए आवेदन जब निर्धन व्यक्ति के रूप में दिया जाता है कि हमको अनुमति दी जाए कि हम एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करें तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अनुमति दी जाएगी या अगर अनुमति दे दी गई है और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अगला व्यक्ति जो है वह निर्धन नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस आवेदन को या उसको जो अनुमति दी गई थी उसको नामंजूर किया जा सकता है तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा पूछा जा रहा है कि कब अनुमति नहीं दी जा सकती है या आवेदन को नामंजूर किया जा सकता है तो पहला विकल्प है कि आवेदन के अभिकथनों से वाद हेतु दर्शित नहीं होता है तो यहाँ पर उसको अनुमति नहीं दी जाएगी दूसरा है किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण का करार किया है अर्थात कोई अन्य व्यक्ति कहा कि तुम पैसा लो और मुकदमा लड़ो बाद में जब जीत जाएंगे तो इस संपत्ति को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे इस प्रकार से अगर कोई करार हो गया है तब भी अगर न्यायालय को पता चल जाता है तो वह अनुमति नहीं देगा और अनुमति अगर दे भी दिया है तो उसको नामंजूर कर देगा वापस ले लेगा तीसरा है कि जहाँ विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गए हैं अर्थात आवेदक का जो हित था उसने वो किसी अन्य व्यक्ति में चला गया है अर्थात उसने अपनी कोई संपत्ति उसको बेच दिया है या इस तरह का कोई कार्य कर दिया है तो इन सभी ही दशाओं में न्यायालय क्या करेगा कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुमति नहीं देगा कहेगा कि तुम सामान्य व्यक्ति के रूप में न्यायालय के समक्ष वाद ला सकते हो लेकिन निर्धन व्यक्ति के रूप में आप वाद नहीं ला सकते तो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने का फायदा यह होता है कि तुरंत आपको वाद फी कोर्ट फीस वगैरह नहीं जमा करना होता है उससे आपको छूट मिल जाती है तो आ, आवेदन का नामंजूर किया जाना आदेश तैतीस नियम पाँच में वर्णित है न्यायालय किसी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा देने के लिए वाद जो आवेदन है वह नामंजूर करेगा तो उसके आधार बताए गए हैं कौन कौन से ऐसे आधार हैं तो पहला है जहां नियम दो और नियम तीन में विहित रीत से उसकी विरचना नहीं की गई है तो नियम दो के अंतर्गत और नियम तीन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि आवेदन की जो विषय वस्तु है और आवेदन का उपस्थापन कहाँ किया गया है और दूसरा है कि आवेदक वही व्यक्ति नहीं है अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को वह भेज देता है अन्य व्यक्ति के नाम से जो है निर्धन बता करके वह संस्थित किया जा रहा है और तीसरा है कि उसने आवेदन प्रस्तुत किए जाने से ठीक पहले दो माह के भीतर कपटपूर्वक या इसलिए कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दे के लिए आवेदन कर सके अपना संपत्ति बेच दिया है मतलब अपनी सारी संपत्ति वगैरह इसलिए बेच दिया है ताकि न्यायालय उसको उस निर्धन समझे और उसको यह छूट दे दे कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और उसे कोर्ट फीस नहीं वसूली जाएगी जहाँ वाद हेतु दर्शित नहीं होता है अर्थात मुख्य विवाद क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी और दे दी भी गई है तो उसको वापस नामंजूर कर दिया जाएगा पांचवा है जहाँ उसने प्रतिस्थापित प्रस्थापित वाद की विषय वस्तु के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से कोई करार कर लिया है कि वहां पर दूसरे व्यक्ति को भी उसमें कोई हित प्राप्त होगा जहां आवेदक में आवेदक के द्वारा किए गए अभिगतनों से यह दर्शित होता है कि वाद तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा वर्जित है अर्थात उस समय कोई विधि जो लागू है जो प्रचलन में है उस विधि के तहत कोई उसका जो कार्य है वह अवैध है तब भी जो है वहां पर अनुमति नहीं दी जाएगी अंतिम है इसमें कि जहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण के लिए उसके साथ करार किया है तो यह सात ग्राउंड बताए गए हैं इन सभी सातों ग्राउंड को आपको देख लेना है ध्यान से दो तीन बार इसलिए क्योंकि इसी में से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और यह कहा जाता है कौन सा कथन गलत है या सही है तो जब तक आपको पूरी बातें याद नहीं रहेंगी आपसे गलती की संभावनाएं बनी रहेंगी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है तो इसमें पहला है गलत है न्यायालय निम्न कारणों से एक निर्धन व्यक्ति के द्वारा निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र जो है वह निरस्त कर सकता है हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है जब प्रार्थी द्वारा किए गए कथन वाद कारण प्र... जो है प्रकट नहीं करते हैं तो इस आधार पर वह निरस्त कर सकता है अब यहाँ पर पूछ रहा है कि गलत है तो यह गलत नहीं है बल्कि सही है अगर वह जो है वाद कारण प्रस्तुत नहीं पता नहीं चलता है तो उसके कारण उसको निरस्त कर दिया जाएगा दूसरा है कि जब प्रार्थी के पास एक हज़ार की संपत्ति है तथा उसने वाद प्रस्तुति के दो माह के भीतर अपनी संपत्ति इस आशय से विक्रय कर दिया है कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला सके तो ऐसी स्थिति में भी उसका जो वाद है आवेदन है उसको नामंजूर कर देगा तीसरा है जब प्रार्थी के द्वारा लिखे गए कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वाद अवधि बाधित है तो यह जो है अवधिवादित के संदर्भ में ऐसा कोई वर्णन जो है या उल्लेख कहीं आदेश पैंतीस के अंतर्गत नियम पांच में नहीं मिलता है तो यही कोई आधार नहीं है नेक्स्ट है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहां अस्वीकार कर देगा तो न्यायालय जो है ऐसा आवेदन कब अस्वीकार कर देगा तो पहला है जहां उसमें वाद पत्र के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं तो इस आधार पर उसको अस्वीकार नहीं करेगा या नामंजूर नहीं करेगा दूसरा जहां वह स्वयं आवेदक के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो तो इस आधार पर भी उसको अस्वीकार नहीं किया जाएगा बल्कि उसको स्वीकार कर लिया जाएगा तीसरा है कि जहाँ आवेदक के अभिकथनों से वाद कारण दर्शित होता है यह भी सही है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण हेतु आवेदन के साथ अनुब्ध किया है तो इस आधार पर जो है उसके मामले को अस्वीकार कर दिया जाएगा खारिज कर दिया जाएगा नेक्स्ट है यदि निर्धन व्यक्ति अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्याय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी यह बहुत महत्वपूर्ण है अब आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है एक व्यक्ति है वह न्यायालय के समक्ष इसलिए जाता है और कहता है कि साहब हमारे पास कोर्ट फीस देने के लिए पैसा नहीं है अब हम जो है कोर्ट फीस नहीं दे सकते हैं तो न्यायालय कहेगा कि हमारा कार्य क्या है न्याय देना है क्योंकि अगर न्याय नहीं हुआ किसी व्यक्ति को तो केवल उसके भौतिक न्याय नहीं होगा बल्कि उसके नेचुरल जो जस्टिस है प्राकृतिक न्याय है वह भी उसका मारा जाएगा उसके साथ अन्याय होगा तो इसलिए जो है कहेगा कोर्ट कहेगा कि अगर तुम साबित कर दो कि तुम वास्तव में निर्धन हो गरीब हो तो हम तुमसे कोर्ट फीस जो है नहीं वसूलेंगे तो तब यहाँ पर आदेश तैतीस का जो पहल नियम एक है उसमें यह बताया कि आप दो तो आधार पर साबित करो कि तुम निर्धन हो अर्थात तुम्हारे पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि तुम फीस दे सको या कोई ऐसी संपत्ति तुम्हारे पास नहीं है जिसको कुर्की से छूट दी गई है और उसका मूल्य एक हज़ार रुपये से अधिक नहीं है तो अगर यह दो परिस्थितियां साबित कर दी गई तो मान लिया गया कि ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है निर्धन है अब वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति मान लिया गया और न्यायालय ने अनुमति दे दिया मुकदमा दायर किया जाए मुकदमा चलने लगा और वह जो व्यक्ति है वह क्या होता है मुकदमा जीत जाता है तो न्यायालय कहेगा कि हमने तुमको मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति दिया था अब कोर्ट फीस माफ तो होगी नहीं तुम मुकदमा जीत गए हो या हार जाओ लेकिन तुमको क्या करना होगा कि जो संपत्ति है उससे अपनी जो फीस है उसका भुगतान करो तो अब हम विकल्प देखते हैं तो वहां ऐसी स्थिति में वादी क्या होगा मामला जो है जो कोर्ट फीस होगी वह वादी से वसूली जाएगी अगर वादी देने में समर्थ नहीं है तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में उसकी वाद की जो विषय वस्तु है उस पर उसका भार होगा प्रभार होगा विषय वस्तु से वैसी जो है वसूली की जाएगी आदेश तैतीस का जो है नियम दस जब आप देखेंगे इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह मिलता है अब देखिए यह तो हो गया जब वह सफल होता है अब दूसरी कंडीशन आती है मान लीजिए वह असफल हो गया अर्थात वह मुकदमा हार गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वादी वाद में असफल हो जाता है या उसको जो है जो अनुमति दी गई थी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की उसको ना मंजूर कर दिया जाता है या उसका जो मामला है उसको खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां न्यायालय जो है उस वादी को आदेश देगा कि तुम कोर्ट फीस ले करके जमा करो इसका अर्थ यह है चाहे तुम सफल हो चाहे असफल हो जो है कोर्ट फीस आपसे जरूर वसूली जाएगी कोर्ट फीस की जो अनुमति दी जाती है निर्धन व्यक्ति के रूप में कि आप कोर्ट फीस न जमा करें तुरंत मत जमा करो लेकिन बाद में आपको जमा करना होगा यह थोड़ी रियायत दी जाती है बस नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस आदेश के अंतर्गत दिया गया है तो सीपीसी के अंतर्गत निर्धन व्यक्ति के रूप में अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाता है तो उसको जो है निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात यह है कि निःशुल्क विधिक सहायता जो उपलब्ध कराई जाती है यह केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा इसी जो सहायता है वह उपलब्ध कराई जाती है आदेश तैतीस नियम अठारह के तहत और इसी प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता का प्रश्न आया है तो आप सीआरपीसी को भी ध्यान रखिए सीआरपीसी की धारा 304 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है अचल संपत्ति या अस्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में उपबंधित है तो अब आपको ध्यान रखना है अचल संपत्ति और अचल संपत्ति का क्या बंधक इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह आदेश चौंतीस के अंतर्गत मिलता है अब आप आदेश चौंतीस को देखे हैं तो आदेश पैंतीस भी जान लीजिए इसमें क्या है वाद है वाद को आपने कहाँ पढ़ा था तो धारा आप ध्यान रखिए धारा अट्ठासी में आपने पढ़ा था वाद दो और इसके साथ साथ आप छत्तीस को देखें इसमें विशेष मामले से संबंधित प्रावधान है और आदेश सैंतीस में संक्षिप्त प्रक्रिया ये सारे प्रावधान जो है इन आदेशों से संबंधित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है तो अभी आपने देखा आदेश पैंतीस को इसी के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद के बारे में प्रावधान किया गया है अब आदेश पचास भी देख लीजिए प्रांतीय लघुवाद न्यायालय प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों के बारे में प्रावधान है और आदेश चालीस के अंतर्गत क्या प्रावधान है तो यहाँ पर रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है और आदेश पचपन तो आदेश पचपन जैसा कोई आदेश यहाँ पर है ही नहीं बल्कि आदेश कुल इक्यावन आदेश ही दिए गए हैं सीपीसी -सी में नेक्स्ट है अंतराभिवाची वाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है तो अब देखिए वाद जैसा कि आपने धारा अट्ठाईस के अंतर्गत पिछले प्रश्नों में आपने देखा था कि अंतराभिवाची वाद क्या होता है किसके द्वारा यह संसित किया जाता है तो अंतराभिवाची वाद जो होता है यह ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संस्थित किया जाता है जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उस संपत्ति में दावा नहीं करता है एक्स एक व्यक्ति है इसके पास यह एक प्रॉपर्टी है एक संपत्ति है इस संपत्ति पर यहाँ से ए और यहाँ से बी यह दोनों ही दावा करते हैं कि हमारी है यह कहता हमारी जबकि यह कब्जे में किसके है एक्स के एक्स जाता है कोर्ट के पास कहता साहब आप निर्धारण कर दीजिए कि यह संपत्ति ए की है या बी की है हम उसको दे दें इससे हमें कोई लेना देना नहीं है बस इसके रख रखाव में जो खर्च आया है वो खर्च हमारा दिलवा दीजिए और बाकी आप निर्णय दे दीजिए कि हम यह संपत्ति का स्वामी ए है या बी है वो हम उसको देने को तुरंत तैयार हैं और हम उसको दे देंगे बस यही जो है अंतराभिभाची बात कहा जाता है इसमें विशेष रूप से बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर मान लीजिए यह एक्स जो है यह ए का नौकर है या बी का नौकर है या इनमें से किसी का एजेंट है तो ऐसी स्थिति में वह वा अंतराभिवाची वाद दायर नहीं करेगा बल्कि वह जिसका नौकर या एजेंट है वह वा उसको वापस करने के लिए आबद्ध होगा उसका कोई यह कर्तव्य नहीं है वह जाकर के वाद संस्थित करे तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुल चार सौ पचास प्रश्नों को आप सॉल्व किया और कुल हमने अभी तक आदेश पैंतीस तक के जो प्रावधान है उनको कवर किया है इसके आगे के जो प्रावधान है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे सी सी का एक पार्ट और बचा हुआ है आपको जल्दी ही वह मिल जाएगा और आप उसके जो माध्यम से आप अपनी सभी जो प्रावधान हैं पूरी सी सी को आप समेट लेंगे और आसानी से उसको इसमें कॉन्फिडेंस आपको हासिल हो जाएगा तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए इसको अधिक से अधिक लोगों को तक भी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे के जो प्रावधान है एमसीक्यूज है उनके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो